पता है, आज हपुआ ने ऐसी बात की ना, हमारा मन भरा। मुझे पता है, भर भर के बहू की चुगली की होगी। जी नहीं, हपुआ ने ना हमारे हाथ के बने पराठे याद करे। अब तुको तो पतो ही है कि बहू कितने मरियल बिना घी के पराठे बनाती है। हाय, हमाऊ लाल मन मार के खा ले तो है। वो मरियल पराठे खाने के बाद भी उसकी गोलाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। नजर ना लगाओ हमारे लाल को। मेरे नजर लगाने से क्या फर्क पड़ता है, उसकी तोन थोड़ी ना कम होने वाली है। देखो, हमने ठान लियो है कि कल हम अपने हपुआ को अपने हाथ के बने पराठे खिलाएंगे, जैसे बचपन में खिलाते थे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। काय ना करे, तुम रहने दो ना कट्टो, बहू अपने आप खिला देगी। तुम्हें कहाँ तकलीफ हो रही है? अरे तकलीफ मुझे नहीं, हप्पू को हो सकती है ना। का मतलब, हम अच्छे पराठे ना बनाते हैंगे? अरे कट्टू, तुम्हारे हाथ के पराठे का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतना लाजवाब बनाती हो। इसलिए कह रहा हूँ कि एक खाने से तो मन भरता नहीं है, अब हप्पू 10-12 खा लेगा। तो कहा हम बहू की तरह बेकार बिना घी के तेल में सिके पराठे बनाए? वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको तेल के पराठे खाने की आदत है, तुम घी के पराठे खिलाओगे, हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए। पेट खराब? बात को बतंगड़ बना रहे हो, हमें समझ ही ना आ रहा हुआ। अरे बतंगड़ नहीं बना रहा हूँ, अगले को काम पे जाना होता है, नौकरी करनी पड़ती है, अगर पेट खराब हो गया तो कमजोरी आ जाएगी ना। रहन दो, तुम काय माँ बेटे के प्यार के बीच कूद रहे हो, बताओ। अरे कट्टो, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा प्यार हप्पू को बहुत महंगा पड़ सकता है। रहन दो, हमें सब समझ आ रहा हो, तुम ना जल भुन के भुट्टा हो रहे हो, खुद तो खा ना सकते हो पराठे, हपुआ भी ना खाए। ये क्या बात भाई, तुम क्यों जिद कर रही हो इतना? जिद पकड़ ली तो पकड़ ली, और तुम बीच में बोले ना तो समझ लो तुम आए नींबू। लव यू। चलो हटो। अपू मेरी बात मान, मत खाइए पराठे, पेट खराब हो जाएगा। अरे मेरा बरसों का तजुर्बा है, बता रहा हूँ मत खा। अरे कब से समझा रहा हूँ, सुनता क्यों नहीं मेरी बात, एक बार सुन ले, मत खा, सुन। तुम भी हमारी एक बात सुन लो। का सुना रहे हो, बकवास सुनाने की जरूरत नहीं, चुपचाप उठे जाके बैठो। अरे जाओ दे। अम्मा डोकर है तहीं है का? हाउ हाउ इते हैंगे। दूर से देख रहे हैं पराठों को। ले डोकर, हमाओ तो मैं नमस्कार है गु जहाँ हो। हाँ जीता रहे, और बात खा पराठा। ये ले बेटा, खास बात बात खूब खा, मजा आ गया। कसम से कह रहे हैं तो लग रहा हूँ आत्मा तृप्त हो गई, जाको कहते हैं असली पराठा, मजा आ गया। नहीं वैसे जो भी अच्छो बनाती है पराठ, लेकिन तुम्हारी तनक बात ये लागे। ओ अन्नपूर्णा कट्टो देवी, मैं कह रहा हूँ मत खिलाओ, मत खिलाओ, हप्पू का पेट खराब हो जाएगा। तुम फिर बीच में बोले, चुपचाप बैठो तो। का भाऊ अम्मा डोकर का बोल रहे? ज्यादा ही हुल हुला रहे, खुद तो खा ना सकते। हाँ। तो दूसरों को भी ना देखा जा रहा है कि तुम लोग पराठे खा रहे हो, वो भी हमारे हाथ के बने। अम्मा डोकर से जो कह दो कि जो पराठू ना है, जो पराठे में लपटू बहुत तुम्हारा आशीर्वाद है, हैं? और जहां में ज्यादा घी तेल ना है, बल्कि तुम्हारे दुलार को मतलब दुलार चिपको है, लपेटो भाव है दुलार। बिल्कुल भारी ना है। सुन लियो हमारे हपुआ के विचार, इसे है हमारे पराठों की कदर। तो काय ना होगी कदर अम्मा, हैं? बचपन से तुम इतने लाड़ प्यार से हमें खिला रही, यही पराठो तो हमारे शरीर में तन में मन में लगतो है। अरे कटोरी मलाइका बहू, तुम दोनों बस चुपचाप ठूसे जा रहे, तीनों कछु बोलना रहे, पराठे सही ना लग रहे। दादी इतने स्वाद बने कि मेरा सच में मन ही ना भर रहा खा खा के। You know what, grandmother? This is very, very, very different type of paratha. Meaning, me thinking that you're not only putting aloo in this, you're putting your love also.
देख बिटिया, हमें लग रहा हो कि तू हमारी तारीफ कर रही है। अरे ऐसी भाषा में बोल दे ताकि हमें भी समझ आ जाए, खुश हो जाए हम। अरे मेरी प्यारी दादी, मैं ये बोल रही हूँ कि पराठे में ना आपने सिर्फ आलू ही नहीं अपना प्यार भी ठूसा, इसलिए ज्यादा टेस्टी लग रहा है। हाँ अम्मा, मतलब इतो अच्छो तुमने पराठा बनाओ है, हम जो कह रहे हैं अम्मा अब से पराठा तुम ही बनाओ, हमारे हाथन में अम्मा जे स्वाद नहीं आ। कहे बेटा काम चोर कहीं की। का कहो अम्मा? अरे बहू, हमारी तो उम्र बीत गई। हाँ। हमने हपुआ को खिला के पिला के तो बड़ाओ कर दो, अब तेरो टाइम है, तू पका के खिला अपने बच्चन को। हाँ हाँ, हम भी बीच बीच में कभी अपने हपुआ को वही टेस्ट को याद दिलाते रहेंगे। ले हपुआ एक और। अरे 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 खा ना। अरे अम्मा कसम से कह रही, अब ना दियो, कहे के पेट भर के उड़ा रू, मन ना भरू, लेकिन मन कह रहा हुआ कि खाती जाओ खाती जाओ। ओ कट्टो रानी, अरे क्यों हप्पू की तबीयत खराब करने पर तुली हुई हो, मत खिला उसे। देखो तुम और बोले ना तो हम सच कह रहे, तुम्हारे नींबू निचोड़ देंगे हम। निचोड़ ले मगर उसको मत खिला। के दादी, क्यों बिना बात में दादाजी को हड़कारी से? अरे का करे, जो है इसी के लायक सुनते नहीं, खुद तो खा ना पा रहे और तुम्हें खाने से देख के जल रहे। अब बताओ का करें ऐसे आदमी को, चुप रह जाओ। हम यही बात पे दो पराठे अब और दे दी हूँ, कैसे कल से तो फिर रज्जू की हाथ की खाने को मिलेंगे ना। ले दो का तीन खा ले। मरेगा ये, जरूर मरेगा आज। बाटुबा, यस यस यस, बाटुबा। ब्रो भगवान ने तो बिल्कुल हमको सिग्नल दे ही दिया है कि पापा का पापा एकदम फेमस होने वाले हैं। हाँ, लेकिन मुझको पता का लगता है कि उल्टे काम करके पापा फेमस होंगे, ऐसी संभाव्यता बहुत ज्यादा है, चांस है। हाँ यार, अगर पापा को किसी ने निछावर लेते हुए पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी यार। अच्छा अच्छा, तुम लोग ना एक नंबर के गधे हो। हम लोगों ने क्या मांगा है कि पापा मशहूर हो जाए, उनके चर्चे हो जगह जगह पे, हमने यही सोच के मन्नत मांगी है ना, तो वैसा ही होने दो ना, उल्टा सीधा क्यों सोच रहे हो? चिल्लाते हो रहे गधे हैं दोनों के दोनों। अच्छा तुमको पता है हमारी रिसेस ओवर हो चुका है। पता है क्या गप्पे मार रहे हो? चलो क्लास में। हाँ जा रहे, चलो चलो उठो उठो जल्दी उठो। अब बस एक बात का इंतजार है कि भगवान हमारे पापा को जल्दी से बहुत फेमस करते हैं। हाँ ठीक यार, मैंने अपने पड़ोसी से भी तेरे पापा के बारे में पूछा, एंड गेस व्हाट, वो भी तेरे पापा को नहीं जानते। अब तो दो तीन दिन रुक बस, उसके बाद देख मेरे पापा एक झटके में फेमस हो जाएंगे और पूरे कानपुर में वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। हाँ नहीं, कानपुर में वर्ल्ड फेमस। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी? ये गारंटी के बारे में पूछ रहा है। टिल्लू तू ना हमारे पापा को नहीं जानता है, हमारे पापा बहुत शातिर, बहुत स्मार्ट और बहुत ही बहादुर दरोगा है। उनकी खूबियां ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। सही बात, बिल्कुल सही कहा। और तुझे पता है उनका पूरा जो वो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो सिस्टम होता है ना, पूरा उन्होंने मेंटेन करके रखा है, इधर सब वही संभालते हैं। वो बताओ पूरी बोतल अकेले खाली करने में उनको बहुत बड़ा योगदान है। क्या, क्या? तुम्हारे ही पापा है तो तुम तो तारीफ करोगी। लेकिन बात तो तब है ना कि ये बात कोई और बोले, तुम्हारे सिवाय तुम्हारे पापा को और कोई नहीं जानता। अच्छा ओके बाय। ये टीयू का बच्चा अपने को क्या समझता है? वो फूल दिया है ना पापा को, अब देखना सब सही हो जाएगा।